वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ब्रैकेट डिज़ाइन किया है जिसमें कुछ शीट मेटल के फीचर्स यूज किए हैं, फिर यहाँ पे कुछ एक्सट्रूड कट, फिर यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड भी अप्लाई किए हैं। तो इसके सारे फीचर्स हमने किस तरह से यूज़ किए हैं वो आप वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट और कंपोनेंट हम आपके लिए रोज़ बनाते रहते हैं और आपको फ्री में इसके ट्यूटोरियल देते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर स्केच लाइन टूल हमें एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मिड पॉइंट लाइन, इसे टिक कर देना है, फिर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब इसका डायमेंशन डिफाइन करेंगे, तो इसका डायमेंशन रहेगा 1200। सिंपली इसे ओके कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सीट मेटल टैब ओपन करना है, फिर यहाँ पे बेस फ्लेंज हमें एक्टिवेट करना है। बेस फ्लेंज एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लाइंड है, यहाँ पे मिड प्लेन करना है हमें। फिर इसकी साइज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसकी साइज़ रहेगी 115 mm, 150 mm इसकी हाइट रहेगी, 150। फिर यहाँ पे इसकी विड्थ, तो विड्थ यहाँ पे 20 mm, फिर इसकी रेडियस 3 mm, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे के फैक्टर 0.5, बाकी सब एज इट इज़ रखना है और फिर ओके कर देना है। अब हम यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो फिर से हम लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, इसका डायमेंशन स्पेस से इस लाइन का 610 mm। यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीट मेटल में यहाँ पे देखिए एक फीचर है स्केच बैंड, इसे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन को सिलेक्ट करना है। उस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें जो कौन सी फेस फिक्स रखनी है उसे सिलेक्ट करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये फिक्स रखनी है और यहाँ से बैंड करना है। तो हम यहाँ पे इसकी डिग्री अप्लाई करेंगे 15 इसका एंगल रहेगा, बट यहाँ पे देखिए रिवर्स साइड में हमें बैंड करना है, तो यहाँ पे बैक साइड में हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूज डिफॉल्ट रेडियस, इसे अनटिक करना है और यहाँ पे इसकी रेडियस अप्लाई करनी है 350। फिर यहाँ पे देखिए बैंड पोजीशन, ये सेंटर से है मिड पॉइंट मिड लाइन, फिर यहाँ पे मटेरियल इनसाइड से फिर बैंड होगा, इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनसाइड से बैंड होगा, फिर यहाँ पे आउटसाइड और ये देखिए बैंड, ये बैंड आउटसाइड, फिर यहाँ पे ये वाला है ये मटेरियल के आउटसाइड में और ये बैंड के आउटसाइड में, तो हम यहाँ पे ये मिडल वाला सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका डायमेंशन रहेगा 350 mm। अब सिंपली इसे भी एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए स्केच बैंड ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, तो हम यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसका एंगल 50, यहाँ पे इसका एंगल 15 करना है, क्योंकि इस फेस और इस फेस को देखिए पैरामीटर इसका दोनों की पोजीशन एक आ गई है, तो 15 एंगल इसका भी था तो इसका भी हम 15 एंगल ही अप्लाई करेंगे। यूज डिफॉल्ट रेडियस, इसकी भी 350 रेडियस अप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखिए मिड पोजीशन और ओके। तो देखिए इस तरह से हमने एक
प्लेट क्रिएट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीचर में जाएंगे और यहाँ पे फिलेट, फुल राउंड फिलेट हमें सिलेक्ट करनी है। ये देखिए लास्ट वाला फुल राउंड फिलेट, फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में ऊपर वाली फेस सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे सेकंड वाली और थर्ड वाली और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे फुल राउंड फिलेट यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाले बॉक्स में, और यहाँ पे सेकंड रेफरेंस हमारा रहेगा। तो इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 174 mm। डायरेक्शन देखिए अंदर की साइड में हमें रखना है और ओके करना है। अब हमें देखिए यहाँ पे मिरर में जाना है, मिरर में इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे देखिए बॉडी सिलेक्ट करनी है, बट उससे पहले यहाँ पे मर्ज सॉलिड इसे अनटिक कर देना है और इस बॉडी को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास दो प्लेट हमने क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेन हमने क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करना है और स्केच करना है। स्केच यहाँ पे, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे 600 और फिर ओके करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक लाइन हमारे पास ड्रॉ कर दी है हमने। अब सिंपली फीचर में जाना है, फिर फीचर में जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्सट्रूड बॉस। अब एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे अप टू सरफेस। तो हमारी फर्स्ट वाली सरफेस, सॉरी यहाँ पे सरफेस अप टू नेक्स्ट करना है, और फिर सेकंड डायरेक्शन में अप टू नेक्स्ट करना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए लिंक टू थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, तो हमें लिंक टू थिकनेस कर देना है और फिर ओके कर देना है। यहाँ पे इसका थिन फीचर है तो ये वन साइड नहीं, यहाँ पे मिड प्लेन कर देना है और फिर ओके करना है। तो देखिए इस तरह से ये प्लेट भी क्रिएट हो जाएगी। लिंक टू थिकनेस का मतलब ये इसकी जितनी थिकनेस है वो थिकनेस इसकी रहेगी। अब फिर से प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, इसका व्यू यहाँ पे हिडन लाइन इसे एक्टिवेट कर देते हैं, फिर यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी करनी है, फिर इस लाइन को कंट्रोल की होल्ड करके इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे भी कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। फिर यहाँ पर हम ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसे ट्रिम कर देना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। मिरर एंटिटी इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे मिरर अबाउट इस लाइन सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, तो इसका एंगल रहेगा 7 degrees। 7 degrees यहाँ पे इसका एंगल अप्लाई कर दिया है और इसकी लेंथ रहेगी इस पॉइंट से इस लाइन की 260 mm, 280 mm इसकी लेंथ रहेगी। अब यहाँ पे पावर ट्रिम फिर से एक्टिवेट करना है और यहाँ से इसे ट्रिम कर देना है। फिर यहाँ पे फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम, तो फ्रॉम हम ऑफसेट करेंगे। अब इसकी ऑफसेट साइज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इसका ऑफसेट रहेगा 61.5,
ये हमने इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के कैलकुलेशन करके ये साइज निकाली है, तो 61.5 यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑफसेट में। अब ऑफसेट में यहाँ पे सेट करने के बाद इसकी साइज रहेगी मिड प्लेन। मिड प्लेन में फिर से हम लिंक टू थिकनेस इसे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे मर्ज रिजल्ट, फिर ओके करना है। फिर से एडिट में जाएंगे, यहाँ पे अनचेक करेंगे हम मर्ज रिजल्ट और फिर ओके करेंगे, क्योंकि अलग से बॉडी हमने, ये देखिए अलग से प्लेट यहाँ पे ड्रॉ की है। फिर यहाँ पे मिरर फीचर एक्टिवेट करेंगे। मिरर हमें इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बॉडी में ये वाली प्लेट को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। देखिए इन चारों प्लेटों के बीच का गैप एक ही होगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके ये सारे डायमेंशन क्रिएट किए हैं। अब हमें इस फेस को चलिए यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पे इसका हिडन लाइन वाला व्यू हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसका डायमीटर हम अप्लाई करेंगे 30 mm। इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 100 mm। इस लाइन से इस होल का डिस्टेंस 100 mm करना है। हमने ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेट किया था, बट देखिए यहाँ पे इस लाइन से हमें सेट करना है, और यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट 45 mm। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए अप टू नेक्स्ट, फिर यहाँ पे डायरेक्शन टू, और यहाँ पर भी अप टू नेक्स्ट और ओके करना है। मिरर में जाना है, मिरर में जाएंगे, फिर यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फीचर टू मिरर, तो हमें इस वाले जो हमने यहाँ पे जो एक्सट्रूड बॉस अप्लाई किया था उसे सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी ये अप्लाई हो गया। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पे होल करना है, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसका डायमीटर रहेगा 70 mm। फिर यहाँ से इस फेस से इसका डिस्टेंस 150 mm। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना। अब सिंपली फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देंगे थ्रू ऑल और फिर ओके करना है। स्पेस को सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पे 70 mm का सर्कल क्रिएट करना है। यहाँ पे भी एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल और फिर ओके करना है। फिलेट एक्टिवेट करना है, फिलेट में फुल राउंड फिलेट, तो ये हमें एक एक करके इन सारी फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से हम
यहाँ पे सारे सारी जो एजेस हैं यहाँ पे फुल राउंड फिलेट अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फुल राउंड फिलेट है वो सारे प्लेटों में अप्लाई कर दिए। अब हमें इस फेस पर कॉस्मेटिक थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए टैप्ड होल, इसे सिलेक्ट करना है। मैट्रिक, अनसिमेट्रिक, फिर टैप्ड होल। फिर यहाँ पे इसकी साइज़ रखेंगे हम 12.12 by 1.175 अप टू नेक्स्ट पोजीशन। यहाँ पे दो होल हमें अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों होल को सिलेक्ट करना है, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और सिमेट्री कर देना है। फिर दोनों होल को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। अब यहाँ से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 55 mm। और इस होल से इस होल का डिस्टेंस रहेगा 65 mm। देखिए यहाँ पे फुली डिफाइन हमारे होल हो गए और ओके कर देना है। थ्रेड यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और डिटेलिंग में जाना है और फिर शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड इसे टिक कर देना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे थ्रेड शो होने लगेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपेयरेंस अप्लाई करेंगे। तो अपेयरेंस में हमें यहाँ पे मेटल में जाना है, फिर स्टील और फिर सेटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे एडिट कलर, एडिट अपेयरेंस में जाके इसका कलर अप्लाई करेंगे। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा लाइटनेस, ये थोड़ा डार्क ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हैं और ओके कर दिए। तो देखिए इस तरह से हमने ये ब्रैकेट क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस कंपोनेंट का आपको ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।